हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। और अब चलते हैं किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू फलियों की सब्जी, जिसको बीन्स की सब्जी भी कहा जाता है और गर्मी में अक्सर खाई जाती है। क्योंकि गर्मी में हर टाइम पनीर छोले वगैरह नहीं खाए जाते, तो फिर मैं बीन्स की बहुत ही इजी टाइप में सब्जी बनाने वाली हूँ, जो कोई भी बना सकता है। तो चलिए मेरी किचन में। सबसे पहले मैंने इन फलियों को धोकर पोंछ लिया है और अब इसका टॉप और टेल कट कर लूँगी। उसके बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट लूँगी। साइज़ आपकी मर्जी है, कोई बड़ा भी कर सकता है। और हरी मिर्चें पेड़ से तोड़ ली हैं मैंने। इसके बाद मैंने दो बड़े बड़े प्याज, अदरक, लहसुन छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने हैं। और आलू भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिए हैं। कुकर में थोड़ा सा ऑयल लूँगी। कुकर में ये सब्जी बहुत अच्छे ढंग से बन जाती है, तो इसलिए मैंने कुकर लिया है। उसमें पिंच भर हींग और कटा हुआ लहसुन थोड़ा सा चटका लूँगी और फिर उसमें चॉप करा हुआ सारा प्याज डाल के थोड़ा सा नमक डाल के इसको भून लूँगी। और फिर सारी फलियाँ और कटे हुए आलू डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये लगभग जब आधा पक जाएगा तब तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। जब ये आधा पक जाए तो हम लोग सारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा, मेरा सीक्रेट मसाला वगैरह डाल के इसको अच्छे तरीके से हिला के और ढक के फिर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और फ्लेम इसकी मीडियम ही रहेगी। थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह भी जो डालना चाहे अपने स्वाद अनुसार डाल सकता है, क्योंकि तभी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इतने में मैं साथ साथ अपना आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि आज मुझे अपने सूट भी कट करके सिलाई करनी है, तो उसके लिए मैं टाइम से ही सारा काम निपटा लूँगी। और अब ये मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है। मैं आलू काट करके देख लूँगी, अगर मेरा आलू कट गया है तो इसका मतलब सब्जी तैयार हो गई है। और ये मेरी सब्जी हो गई तैयार। इसको दही और सलाद के साथ सर्व करें और एक बार ट्राई करें, बहुत इजी। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। और गर्मी में सबका क्या हाल है, कौन कहाँ कहाँ घूम के आया है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो शॉपिंग में मैंने लिए हैं दो प्लेन सूट और ये मैंने लिया है येलो कलर का एक सूट प्लेन। मेरा काफ़ी टाइम से दिल था कि मेरे पास येलो सूट नहीं है और प्लेन सूट लिए हैं मैंने। और दूसरा मैंने पिंक कलर का सूट लिया है, इसमें अभी इसका ओरिजिनल कलर कैच नहीं हो पा रहा और इसे आज मैं पहले पिंक कलर वाले सूट की कटिंग करूँगी और फिर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। काजल लगते हैं। एक और बार। वो पेन। अच्छा टिक्का भी लगता है यहाँ। उससे लगाओ रेड वाले से। उसका देख, रेड वाला पकड़ा ना। हाँ पकड़ा। मिट्टी लगाओ। काजल लगाओ। ओए होए। काजल। हाथ लगी है ना इतना तेज कट करके। उसको पता है मुझे खाना। कैसे खाते हैं? ऐसे बंदर।
बस बिना बांटे तो ये कोई चीज खाती नहीं है। अच्छा अब नया चाहिए। मम्मा मम्मा को खिलाओ। और आज इवनिंग में जब ये अपनी शॉप से वापस आ रहे थे तो दही भल्ले और पापड़ी और गोलगप्पे ले आए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज इवनिंग में मार्केट से स्नैक्स आए हैं लॉकडाउन के कारण, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने आज सुबह ही फलूदा कस्टर्ड भी बना के रख ली थी और शाम को अब ये ठंडी ठंडी हम सब खाएंगे, क्योंकि बच्चे भी जब ट्यूशन से आते हैं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो शाम के लिए भी मैंने बना के रख लिया था। और आजकल हमारी क्यारी में कुछ ये गिरगिट आई हुई है और जब हम इसको क्यारी में पानी देते हैं तो ये निकल आती है। आजकल दो बार वाटरिंग करनी पड़ती है प्लांट्स में क्योंकि काफ़ी धूप आ रही है, तो शाम को तो और भी मौसम अच्छा हो जाता है तो पानी के साथ खेलना अच्छा लगता है, काम भी हो जाता है, सड़क भी गीली हो जाती है, प्लांट्स को पानी भी दे दिया जाता है। तो कुछ आज ऐसा बीता मेरा दिन। और सूट भी मैंने स्टिच कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।